अगले 48 घंटे रहें सावधान, पश्चिमी विक्षोभ करेगा बड़ा उलटफेर। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर, 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 4 दिन पहले देश में सबसे गर्म शहरों वाले राजस्थान में अब मौसम सुहाना हो गया है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार 10 मई की दोपहर से मौसम में बदलाव शुरू हुआ। आंधी और बारिश के चलते तापमान लगातार गिरता चला गया। पिछले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। 3 दिन पहले फलोदी का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब 43 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फलोदी की तरह प्रदेश के लगभग सभी शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार 11 मई को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज हवाएं चली। अधिकतर जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आंधी और बारिश का ये दौर आगामी 2 दिन तक जारी रहेगा। ऐसे में प्रदेश 2 दिन तक मौसम सुहाना बना रहेगा। आंधी और बारिश के कारण न केवल तापमान गिरा, बल्कि कई शहरों में तापमान सामान्य से भी नीचे दर्ज किया गया। इससे प्रदेश को झुलसती हवाओं से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर शामिल है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली की घटनाओं से कई जाने भी जा चुकी हैं।